निकाल के दस लेगी। कुछ टेंशन हो रही है मुझे, क्यों डर रहे हो? अरे देखिए ये जो नाग नागिन होते हैं ना, वो ना हम इंसानों से बहुत डरते हैं। बेचारे देखो कैसा डरा सहमा सा मेरे हाथ पे बैठा हुआ है। ओले ले बेटा ओले ले, क्या हुआ क्या होते हैं? घबरा मत, कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ नहीं होगा। अरे मालिक क्या कर रहे हो, फेंको से फेंको से। अरे मुखन तू घबरा मत। अरे ऐसे किस कमरे में तो नाग आते ही जाते रहते हैं, वो खुला मैदान है ना यहाँ पास में, वहीं पे आते हैं हमारे घर में घूमने फिरने आ जाते हैं। संगीता बोलते अरे रूमी के बापू, अरे नाग बोली, अरे रूमी के बापू। अरे अच्छा तू बोली, मुझे लगा नाग बोल रहा था। अरे देखो ये नाग ना बिस्तर अपने आप कुछ नहीं करेंगे, कितने बार मना किया तेरे को घर में नहीं आने का, ऐसा बार उठा के घर में घुस जाती है। आज तो मैं ना तेरे को ऐसा करोगे ना तो कभी दांत नहीं सकती। ये सो मारा जा रहा है, ये सो मारा है। बता रहे देखो ना कैसे थर थर कहाँ पड़ी है तेरी। तो मैं अभी अपने पॉकेट में डाल लू, घुमा के पॉकेट में डाल लिया। ये सांप कहाँ से आया कुछ पता नहीं है, बट अब जस्ट आ गया और अब सबकी जान पे बनाइए। पहले अच्छन के पास है, फिर पापू पे आ जाता है, और पापू पे आ जाता है तो ऑब्वियसली रूमी की तो जान अटक ही जाएगी, क्योंकि उसकी जान तो पापू पे ही बसती है। तो देखते क्या होता है, सांप क्या करता है देखते हैं। ये पापू की ही प्लान है, उन्हीं की खुराबाती है ये कि वो नकली सांप समझ के वो मिसेस कुट्टी के रूम में डालते हैं सो देट वो डर जाएँ, उनके साथ छेड़खानी करते हैं, उनके साथ मस्ती करते हैं, बट बाद में पता लगता है कि वो असली है तो फिर वो भी डर जाते हैं। तो वो तो मुझे भी नहीं पता, देखते हैं क्या होता है। अभी तक तो ये पहले ही सांप से हम